आज बैंक की छुट्टी थी और सुबह सुबह ही फ्रेंड का अचानक फोन आ गया। यार अदिति, तू इतने सारे वीडियोस डालती है और तेरी रेसिपीज देखकर मेरे मुंह में पानी आता है, तो बस आज मैं आ रही हूँ तेरे हाथ की कोई ना कोई रेसिपी खाने। मैंने देखा फटाफट जाकर कि क्या रखा है घर में जिससे कुछ बना लूँ। देखा तो पनीर रखा था, तो मैंने आज बनाया पनीर टिक्का मसाला। पनीर टिक्का मसाला सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में दही और बेसन को लेकर उसमें कुछ बेसिक मसाले, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, किचन किंग मसाला, कसूरी मेथी, जीरा वन और नमक को डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया। और फिर इस मिक्सचर में मैंने प्याज और शिमला मिर्च और पनीर के बड़े बड़े पीसेस डालकर इन सबको अच्छे से इनपे कोट कर लिया। और इन सबको अच्छे से कोट करने के बाद मसाले में मैंने इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने को रख दिया। इस बीच हमने सब्जी के लिए मसाला भून लिया। उसके लिए हमने कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें जीरा, हींग का चोकन डालकर, लहसुन और हरी मिर्च को डालकर उन्हें भून लिया। जब वे थोड़े से भून गए तो उसमें हमने बारीक कटी हुई प्याज डाली और उसे भी थोड़ा सा भून लिया। और उसके भून जाने के बाद हमने इसमें फाइनली चॉप्ड टमाटर को डाला और उसे भी अच्छे से मिक्स करके भून लिया। टमाटर को भूनते हुए ही हमने उसमें लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और मैगी मैजिक मसाला डालकर इन्हें थोड़ी देर भून लिया। और जब ये थोड़े भून गए तो इसमें हमने थोड़ी सी मलाई को फेंट कर डाल दिया। आप चाहें तो इसमें क्रीम भी डाल सकते हैं। और इनको भी अच्छे से भून लिया। जब मसाला कढ़ाई छोड़ने लगे या इसमें तेल रिलीज़ हो जाए, लेकिन हम तेल ज़्यादा डालते नहीं तो मेरे इसमें तो रिलीज़ होता नहीं है। तो जब कढ़ाई छोड़ने लग गई मसाला, तो फिर हमने इसमें मैरिनेटेड अपनी वेजिटेबल्स को डाल दिया और इन सबको अच्छे से आपस में मिक्स करते हुए 5 मिनट तक पकाया। और फिर इसमें हमने डाल दिया थोड़ा सा पानी और साथ ही हमने डाला इसमें मसाले के जितना नमक, क्योंकि हमने मैरिनेशन के टाइम इसमें नमक डाल लिया था। और इन सबको ढककर पकने के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ दिया, जिससे कि सारी ग्रेवी और मसाले अच्छे से पनीर और सब्जी में एब्जॉर्ब हो जाए। जैसे ही मैंने कढ़ाई खोली तो फ्रेंड बोली, अदिति बहुत ही मस्त खुशबू आ रही है, अब तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा, बस फटाफट तो राइस के संग इसको सर्व कर, रोटी के चक्कर में मत पड़, यूँ तो अपन गप्पे भी नहीं लड़ा पाएंगे। बस दोनों ने खूब एंजॉय किया और गपशप की।